राष्ट्रीय करणी सेना के कार्यालय में हम खड़े हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। शिव जी, आज आपका एक इतना बढ़िया आपका प्रोग्राम था, महाराणा प्रताप जी की जयंती पे रैली भी आपने निकाली, कई प्रकार के मन से आपने संकल्प भी लिए, लेकिन उसी समय एक वाक्य आपके साथ हुआ है, क्या कुछ वो वाक्य है? ये वाक्य है सर, मुझे दुबई के नंबर से एक धमकी मिली है कि तू सुखदेव सिंह की आवाज को उठाता है, तुझे आने वाले, जब सुखदेव सिंह ने ही सुरक्षा मांग ली, सुखदेव सिंह ने भी क्या उखाड़ लिया था, तुझे तेरे घर में घुस करके, तेरे ऑफिस में घुस करके तुझे गोली मारेंगे आने वाले 7 दिन के अंदर। मैंने पुलिस को, कमिश्नर जयपुर, एसपी वेस्ट के जयपुर अमित कुमार जी को, चित्रकूट थाना और मीडिया के अंदर ये नंबर मैंने साझा किया है। ऐसे ही राजपूत समाज के लोगों को मारा गया। अगर मेरे, अब क्या सुखदेव सिंह की बात नहीं है, अगर मेरे मेरे अगर बाढ़ के भी हाथ लगा तो पूरे भारत में आग लग जाएगी। मैं फिर बता देता हूं, नंबर मैंने पुलिस को भेज दिया, इन नंबर की जांच किया जाए और इसको अरेस्ट किया जाए 3 दिन के अंदर अंदर, नहीं हम लोग राजपूत समाज एक बड़ा आंदोलन करेगा, इसकी सरकार जिम्मेदारी लेगी। कुलशिव जी, आपसे जानना चाहेंगे, धमकी देने वाले ने क्या आपकी वेशभूषा भी बोली कि आपने किस प्रकार के कपड़े पहन रखे, किस रंग के? उसने मुझे बोला आप कुर्ता पजामा पहन रखा है सरकार, आपने जैकेट पहन रखी, आप स्टेज के ऊपर हो, मीडिया भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, इनके सामने तुम्हें धमकी दे रहा हूँ और तुम्हें जान से मारूंगा आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर। और मैंने नंबर साझा किया है, कमिश्नर जयपुर को भी किया, एसपी जयपुर को भी किया। क्या हम लोग समाज की सेवा नहीं कर सकते? क्या हमारे वीर शिरोमणि सुखदेव सिंह गोगामेडी की बात को नहीं उठा सकते? उठाएंगे और उठाते रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, अगर जान से मारेंगे तो मार देंगे, उसके बाद में और शिव सिंह शेखावत खड़े हो जाएंगे। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहा था कि मैं 500 सुखदेव सिंह छोड़ के जा रहा हूँ, मैं शिव सिंह शेखावत कह रहा हूँ कि मैं भी 500 शिव सिंह शेखावत छोड़ के जा रहा हूँ। सुखदेव सिंह चला गया, मैं उठा रहा हूँ उनकी आवाज को, मैं चला जाऊंगा, मेरी आवाज को और उठाएगा। और पुलिस प्रशासन अब की बार बता देंगे राजपूतों की ताकत क्या है, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में आग लगा देंगे अगर मेरे बाल के भी हाथ लगा तो। सरकार ये सुन ले पूरी बात को, जिनको बाल रखा ना उनको 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 समझा देना इस बात को कि सरकार ये ना करे, जल्दी से जल्दी उनका एनकाउंटर करे, खत्म करे। हम लोग नेता हैं, समाज की बात उठाएंगे और उठाते रहेंगे। बिल्कुल शिव जी, आपसे जानना चाहेंगे मोबाइल में क्या आप वो नंबर आप दिखा सकते हैं, जिस नंबर से आपको बता दें शिव सिंह शेखावत जी हैं, इनके पास में बीच प्रोग्राम में इनके पास में एक अननोन नंबर से जिसका कोड +92 है, जो कि पाकिस्तान का होना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन में इन्होंने कंप्लेंट भी कर दी है, पुलिस की तरफ से इन्हें आश्वासन भी मिला है, जिसमें पुलिस की वर्दी लगा रखी है इसने। ये नंबर है, ये नंबर चाहो तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इसका नंबर है +92326007357। ये नंबर आप मीडिया के थ्रू भी आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो। तो आप ये देख सकते हैं इस अननोन नंबर से इनके पास में बीच प्रोग्राम में इनके पास में थ्रेट कॉल आई है, धमकी की कॉल आई है, और ऐसा भी कहा गया है कि जो इनकी वेशभूषा है वो भी वेशभूषा बता दी कि आप स्टेज पे खड़े हैं, आपके साथ में मीडिया वाले खड़े हैं, बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, और जो हाल सुखदेव जी का किया वही हाल आपका भी करेंगे। हालांकि शिव सिंह जी ने पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट कर दी है, और आपको एक जानकारी के लिए हम बता दें कि अभी तक सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, जिनकी 5 दिसंबर 2023 को उनके घर में घुस के गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी, 6 महीने भी उस कांड को पूरे नहीं हुए, उसके बाद राजपूत समाज के एक और नेता को ये धमकी मिली है। अब सरकार और पुलिस प्रशासन के ऊपर है कि वो कितनी जल्दी त्वरित कार्रवाई इसके ऊपर करती है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।